हेलो एंड जय हिंद एवरीवन, आई एम आरएसटी सोलंकी, ऑल इंडिया रैंक 28 एफकैन, हियर विथ यू ऑल टू डिस्कस एंड टीच वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चरेट टॉपिक इन हाउ टू डिलीवर लेक्चरेट इन एसएसबीज। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा आत्मनिर्भर भारत इन द डिफेंस सेक्टर। नाउ व्हाट डज दैट टॉपिक एक्चुअली मींस? आत्मनिर्भर भारत मतलब वी आर मेकिंग वेपन सिस्टम्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, एवरीथिंग इन इंडिया। फॉर एग्जांपल, हमने थोड़े ही दिन पहले डिस्कस किया था INS विक्रांत, ठीक है, विच वॉज द फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट एंड डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। सिमिलरली हम डिफेंस में भी हमारी सारी शिप्स, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, हमारे फाइटर पायलट्स, हमारे जेट्स, वी आर ट्राइंग टू डेवलप everything in India so that हमें दूसरी कंट्री से लेना ना पड़े। So that is what is आत्मनिर्भर भारत in defense sector. Okay, so let's begin. Now what is the current event? Current event is Russia's invasion of Ukraine. अब हम सबको पता है, वी ऑल नो दैट मोस्ट ऑफ द इंडियाज डिफेंस इंपोर्ट्स आर बीन टेकन फ्रॉम रशिया ओनली। रशिया हमारी बहुत मदद करता है, तो वी बाय आर वेपनरीज, आर बिग फाइटर हेलीकॉप्टर्स एंड एवरीथिंग फ्रॉम रशिया ओनली। ठीक है, बट रशिया का जब यूक्रेन से वॉर हुआ तो रशिया स्टॉप्ड और डिक्लाइंड द गिविंग आउट ऑफ सच वेपनरीज बिकॉज रशिया को खुद को नीड थी। तो दैट टाइम वी थॉट कि लेट्स नाउ डेवलप आर ओन, ताकि आगे फ्यूचर में हमें ऐसा सफर ना करना पड़े। तो रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन रीट्रेटेड दैट इंपॉर्टेंस ऑफ अचीविंग सेल्फ रिलायंस इन द डिफेंस सेक्टर बिकॉज इंडिया इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन रशिया फॉर नियरली 60% ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट एंड द वॉर हैज रिजल्टेड इन द अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर सप्लाईज फ्रॉम रशिया। ठीक है, तो हमारे फ्यूचर सप्लाई जो रशिया से थे वो कॉम्प्रोमाइज हो गए। वाई? बिकॉज रशिया वॉज इन्वॉल्व इन अ वॉर विथ यूक्रेन। तो हमने सोचा कि हम खुद ही डेवलप करने लग जाएंगे। नाउ व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन इन इंडिया एज पर सिप्री? व्हाट इज सिप्री? इसका फुल फॉर्म आ सकता है और पहले भी आ चुका है, दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो उसकी रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया अकाउंटेड फॉर 11% ऑफ ग्लोबल आर्म इंपोर्ट इन 2017 टू 2021। मतलब इंपोर्ट्स कितने हुए हैं इंडिया में ग्लोबली अगर देखे जाए वेपनरीज के टर्म्स में? 11%, एंड दैट इज अ ह्यूज नंबर। इंडिया इज अमंगस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर्स। मतलब हम इंपोर्ट लेते हैं बट हम खुद बना नहीं पाते हैं। तो वॉट इज आर फोकस? आर फोकस इज कंप्लीटली ऑन डेवलपिंग इंडिजीनियसली नाउ। ठीक है, मूविंग ऑन, एट प्रेजेंट इंडिया डिपेंड्स ऑन रशिया फॉर नियरली 60%। ऑल राइट, डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट्स फ्रॉम फ्रांस हैव इंक्रीज्ड ओवर द पीरियड ऑफ 2017 टू 21 एंड मेड फ्रांस द सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ आर्म्स टू इंडिया। ओके, तो द फर्स्ट लार्जेस्ट वॉज रशिया, नाउ सेकेंड इज फ्रांस। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट थिंग्स, दैट इज व्हाट आर द स्टेप्स टेकन? तो हमें ये तो पता है कि हमें इंडिजीनियसली डेवलप करना है, तो उस डेवलपमेंट में हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? सिंस 1958 DRDO, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इज डेवलपिंग एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो हमारा DRDO जो है वो एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहा है। देन 2001 में जो इंडियन गवर्नमेंट है, इट हैज़ फुली ओपन द डिफेंस सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर को मैंने पहले भी बताया था, स्पेस टूरिज्म वाला जो हमने लेक्चरेट पढ़ा था, कि बहुत सारी चीज़ें जो है जो गवर्नमेंट वाली है उसको अब हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं। प्राइवेटाइज क्यों किया जा रहा है? प्राइवेटाइज करने से जो है कंपनीज के पास कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, तो वो बेटर प्रोडक्ट बनाएंगे रीजनेबल प्राइस में। ठीक है, तो दैट इज वॉट वी आर डूइंग, वी आर इवन प्राइवेटाइजिंग आर डिफेंस सेक्टर। देन इंडियन गवर्नमेंट लॉन्चेस द IDECS, दैट इज इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस स्कीम इन 2018 टू एनकरेज इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स इन द डिफेंस सेक्टर। ऑल राइट, सेवरल अदर स्कीम्स सच एज मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया वॉज ऑल्सो लॉन्च्ड एंड स्टार्टअप इंडिया वॉज ऑल्सो लॉन्च्ड, सो दीज टू आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। In 2020, the Indian government announced that foreign companies can invest up to 74%. अब foreign countries का अगर investment बढ़ेगा तो हमारा FDI बढ़ेगा for of course reasons, ठीक है? तो sorry, foreign investments हमारे बढ़ेंगे हमारे defense sector में। As of April 2022, the Indian government banned the import of over 300 items to promote the domestic manufacturing. तो हमने एक और कौन सी स्टेप उठाई? हमने 300 items का इंपोर्ट जो है कंप्लीटली बैन ही कर दिया है। April 2022 में इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस दैट
it is planning to ramp up domestic defense production to balance the possible shortfall from its main supplier Russia. ठीक है, तो वही कि हमारा डोमेस्टिक डिफेंस का जो प्रोडक्शन है हम बढ़ा रहे हैं बहुत तेज़ी से, जिससे हमें जो दूसरी कंट्रीज रशिया और फ्रांस से जो इम्पोर्ट लेना पड़ रहा है वो हमें ना लेना पड़े और हम सेल्फ रिलायंट हो जाए. कंक्लूजन में क्या है, इंडिया इज टेकिंग स्टेप्स टू इंक्रीज द शेयर ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर डिफेंस इक्विपमेंट. वी हैव कम अ लॉन्ग वे बट देर इज अ नीड टू पुट मोर इन्वेस्टमेंट एंड स्पीड अप द प्रोसेस सो दैट इंडिया कैन अचीव सेल्फ रिलायंस इन द डिफेंस सेक्टर इन द नियर फ्यूचर. सो आई गेस यू ऑल आर क्लियर विद टूडेज टॉपिक. वी विल बैक अगेन विद अनादर लेक्चर टॉपिक टुमारो. स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद.